कुछ टाइम बाद आप भी मुझे मम्मा कहने लग जाओगे, है ना? आप भी बोलोगे मम्मा, शायद आप मुझे मम्मा बोलोगे ना, फिर थोड़े दिनों के बाद आप बोलोगे मम्मा, वो फिर की तरह मम्मा, है ना? है ना? माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है. कल मैंने इस प्यारे से बेबी की एक शॉर्ट लगाई थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप ये कौन है. तो ये है हमारा न्यू फैमिली मेंबर, इसका नाम है शार्ले और ये अभी जस्ट 7 मंथ्स का है. माशाल्लाह लगता बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन अभी ये 7 मंथ्स का है. तो ये हमने क्यों लिया है, आपको भी लग रहा होगा कि ये फ्लोरा से बहुत ज़्यादा मिलता है. इसका कलर बस थोड़ा सा नीचे से वाइट है, वैसे ही फ्लोरा से बहुत मिलता है. और ये ना डॉक्टर के पास था, तो हम जब उनके पास गए, हमने उन्होंने पहले तो इसकी वीडियो दिखाई थी, उसके बाद हमने जब इसको रियल में देखा तो इसकी आदतें, इसका प्यार करने का स्टाइल, इसका खेलना, हर चीज़ फ्लोरा के जैसी थी ना. तो बस हमने फिर डॉक्टर से ये ले लिया, क्योंकि फ्लोरा हम वैसी फ्लोरा को बहुत मिस करते हैं. तो हमने कहा चलें जी, अब हमारे पास से किस कलर का मेल भी प्यारा सा आ जाएगा. और वैसे भी आपको पता है कि मैं चाहती हूँ नूर के एक दफ़ा बेबीज़ हो जाएं, तो अब हमने ले लिया है इसको, शार्ले को. और माशाल्लाह से ये हमारा है न्यू फैमिली मेंबर. शार्ले ना ब्राउनी के फिश के साथ खेल रहा है, ब्राउनी को टेंशन पड़ गई है कि ये मेरी फिश के साथ क्यों खेल रहा है, कि मेरी फिश के साथ. हाय अल्लाह, ब्राउनी जेलस हो गई, मेरा बच्चा छोटू सा मुंह बना के जा रहा है. अच्छा ब्रोनी, एक मिनट ब्रोनी, अपनी फिश ले लो, ये लो, मैं शार्ले को ना दूसरी फिश ला देता हूँ, ये लो अपनी फिश. देखो, देखो, चलो शार्ले को दूसरी फिश ला दो. देखो कैसे अपनी फिश के पास बैठ गई है. हाँ ना ब्रोनी, माशाल्लाह ना बहुत रंगीन बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची. कल की वीडियो के बाद ना सब कह रहे थे ब्राउनी को दिखा दे, अब ब्राउनी कैसी है, माशाल्लाह से ठीक है. 5 दिन की डॉक्टर ने मेडिसिन दी है इसको और वो दे रहे हैं साथ साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ब्राउनी. सारे टेस्ट भी ब्रोनी के माशाल्लाह 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 बिल्कुल क्लियर है. हाँ, बस जरा सी इन्फेक्शन आई है, वो ठीक हो जाएगी. अच्छा बात सुनो, कल किसी ने कहा था कि मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि आपकी कैट को जब डायरिया होता है तो आप उसे ना भूखा रखा करें, भूखा रखने से ठीक हो जाती है कैट. ये चीज़ हमें भी पता है कि भूखा रखने से ठीक हो जाती है, लेकिन अब देखिए ना, इसे डायरिया था, हम डायरिया की वजह से डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, वो तो हमारे पास बेस्ट उसकी ना मेडिसिन है डायरिया की, जो हम पिलाते हैं फ़ौरन से कैट ठीक हो जाती है, मैजिकल सिरप है हमारे पास. लेकिन ये जो डायरिया था ना, इसके पेट में इन्फेक्शन था, अगर हम इसको भूखा रखते तो मज़ीद ये इन्फेक्शन बिगड़ जाता. और ब्राउनी इन्फेक्शन की वजह से इसके प्लेटलेट्स भी कम हो रहे थे. तो हम लोग, मेरी बात सुने, हमेशा जब डायरिया होता है, ये बात हमने भी कई दफ़ा वीडियो में बोली है, लोग भी पूछते हैं डायरिया हो रहा है, वॉमिट हो रही है, तो आप थोड़ी देर, 1-12 घंटे के लिए आप ना उसको 15-16 घंटे के लिए आप अपनी कैट को फास्टिंग करवा लें, ठीक हो जाता है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि फास्टिंग उसका हल नहीं होता. और फ्लोरा के बाद तो हम इतना डरे हुए थे, क्योंकि फ्लोरा का तो था भी ब्लडी डायरिया ना, उस पर तो ना कोई फास्टिंग काम कर रही थी ना कोई और चीज़ काम कर रही थी. तो हर कैट की सिचुएशन डिफरेंट होती है. सो हम ब्राउनी के साथ फिर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए हमने कहा चलें इसके टेस्ट हो जाए और पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है. शार्ले को मैंने एक और फिश ला दी अंदर से, ये वाइब्रेटिंग फिश है, ये भी कैट्स को बड़ी पसंद आती है. ब्राउनी जेलस हो रही थी तो ब्राउनी को उसके फिश वापस कर दी. और ये इसके अंदर ना से ओपन होती है. हाँ, इसके अंदर यहाँ पे एक बटन होता है, इसके अंदर ना ये चार्जिंग, मेरे ख्याल से इसमें चार्जिंग खत्म हो गई. नहीं नहीं, दोबारा ऑन करो. नहीं हो रही है ना चार्जिंग लग, ये देखें, ये अब चार्जिंग इसकी एंड हो गई है, ये रही. तो हम इसकी वायर भी अंदर है, वायर लेके, ये रही वायर, ये वायर हम इसकी लगाएंगे जी, कुदरत की तरफ से ना बंद हो गई. हाँ, इसकी तो चार्जिंग, इसके इसको ना चार्ज करना पड़ता है. इसको यहाँ पे करेंगे, लगा देंगे, ये लगा दी. अब ये मोबाइल के साथ, सिंपल मोबाइल के चार्जर के साथ लगा के आप चार्ज कर लें तो ये चार्ज हो जाएगी. ये जो है ना, ये वाइब्रेटिंग फिश जो होती है, चार्जिंग फिश, ये भी आपको हमारी ही वेबसाइट से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख लें. कैट बड़ी खुश होती है, ये ऐसे हिलती है ना. और ये देखें जन, आपको लाइट, फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाऊं. ये हमने इसको ये वाला एक हाउस ओपन करके दे दिया, कितना खुश हो गया अंदर जाकर.
देखें कितना बड़ा माशाल्लाह, ये ना एक्स्ट्रा लार्ज घर है। ये वाला घर ना हमारा बहुत हिट है, मतलब हमारी वेबसाइट पे ये इसकी इतनी डिमांड आती है, लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं। और वो देखें शार्ले कैसे, जैसे ही हमने खोला है ना वो जाकर अंदर बैठ गया। ये मैं एक और ले आया हूँ शार्ले के लिए, ताकि ना शार्ले से अंदर ही दे दो, वो खेलता रहे। ये लो शार्ले, अंदर दे ये लो फिर। उसको कैसे दिख रहा है, बड़ा खुश है माशाल्लाह से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, हमने शार्ले को घर दिया। ये घर आप यही कलर आप ना वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत कलर है। ऊपर से देखें कितना प्यारा है, इसमें ना शार्ले इतना बड़ा है ना, इतने माशाल्लाह बड़े साइज़ का है। देखें कितने इजीली शार्ले इसमें आ गए, और शार्ले जितने ही दो कैट्स और इसमें भी आ सकते हैं। देखें अंदर अभी भी कितनी स्पेस है। हाँ, इसकी पूरी फैमिली अंदर आ सकती है, शार्ले के सारे टॉयज भी अंदर आ सकते हैं। आप भी ये लगते हैं जिसमें ना वो खेल सकें, बैठ सकें। आपकी शादी कर दो। अब देखें नूर इतनी बड़ी है, नूर भी अंदर जा रही है, लेकिन नूर अंदर जा नहीं रही। चलो ना, क्योंकि फ्रेंडशिप हो जाएगी फिर जाना। नूर के साथ फ्रेंडशिप नहीं हुई। ये वाला हाउस भी ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज्यादा अच्छा घर है, और इसका साइज जो है कि एक्सेल है, लार्ज से भी बड़ा है। और बस ये डील में भी लगा हुआ है, आजकल डील लगी हुई है जो 31 तारीख तक 31 के बाद आपको ये डील में नहीं मिलेगा, डील प्राइस में। शार्ले आ जाओ बाहर, शार्ले का अपना बाहर आने का कोई मूड नहीं है, शार्ले ने अंदर ही रहना है घर के अंदर। ओ शार्ले मछली मर गई, ओ शार्ले, ओ मर गई मछली, ओहो उसका सांस ही निकल गया। घर के अंदर छुप के बैठा हुआ है। ये ब्रोनी वगैरह की मेरी प्यारे प्यारे चिड़ों की जगह है, और इसने ना बुक कर लिया उनकी जगह, उनको अब लेके आते हैं बाहर से। उन्होंने ना छोटा सा मुंह किया हुआ है, और वो बाहर बैठे हैं, उनको लेके आते हैं, उनको भी उनकी जगह पे बिठाते हैं। ब्रोनी 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 ब्रोनी, इतना छोटा मुंह, बेबी ब्रोनी, बेबी ब्रोनी का जी इतना छोटा सा मुंह निकला हुआ है। और बेबी ब्रोनी ना, अब बेबी ब्रोनी घर में देख रही है पहले कौन है। ये देखें अंदर जाना चाहती हैं पर जाएंगी नहीं, क्योंकि वो भी न्यू है ना, न्यूली मेंबर है, तो बेबी ब्रोनी इसको भी इतना लाइक नहीं करती। ओ खावंद इतना बड़ा 7 महीने का, और बेबी ब्रोनी इतनी छोटी सी। जब हमने बेबी ब्रोनी को दिखाया ना, तो डॉक्टर कहते हैं तो किटन लगता है मुझे, कहते हैं बाय बर्थ ही ऐसा, पीछे से ना जो इसके वालदैन की तरफ से ही ऐसी है, और ये इतनी ही रहेगी सारी उम्र, कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये वाला घर भी जी मैं ले आया हूँ, ये ना इसको देख के ना मुझे फ्लोरा याद आ जाती है। मेरा बाहर पड़ा था तो मेरा दिल ना फट गया इसको देख के ना। ये भी मैंने अभी ला के दिया है उसको, शार्ले को, तो अब वो बाहर गया हुआ है, और तुम ऐसा करो उसमें बिठा दो। ब्रोनी आ जाओ, मिस्टर शार्ले चलेंगे, अब आप बैठ सकती हैं अंदर, पहले वो आपको नहीं आने दे रहे। हाँ ब्रोनी आराम से अंदर जाके बैठ जाओ, टेडी को भी भेजती हूँ, चलो टेडी को उसमें बिठा दो दूसरे में, टेडी का दिल इसमें जाने का कर रहा। अब मैडम ब्रोनी चली गई है अंदर, और अब टेडी को भी लेने गई है, टेडी को भी अंदर बिठा देंगे। वाह जी वाह ब्राउन, ऐसे कौन सोता है। वाह जी मिस ब्राउनी हीटर्स का वो भी ले रही है, हीट भी ले रही है, और मज़े से आधी अंदर है और आधी बाहर है घर के। वाह जी वाह, वेरी गुड ब्राउनी। देखिए जी नवाब साहब सो रहे हैं, सारा दिन सोए रहते हैं ऐसे ही। ये कल हमारे पास आया है, और कल रात से ना सोए जा रहे हैं, खा पी भी रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखिए, और नीचे हैज़ल, हेजिटेट इधर आओ, नीचे हैज़ल रो रही है, कह रही है मुझे खाना दे दो, तो हैज़ल को भी खाना देते हैं, इसको भी देते हैं, ये सोया रहेगा। सो जा सो जा सो जा। शार्ली को मैं लाई थी,
कि ब्राउनी के साथ शार्ली की शादी होगी, पर ब्राउनी तो शार्ली की बीबी लगती है। वो देखें, ब्राउनी तो लगती है जी, कोई छोटा सा किटन नहीं होता, वो ब्रॉनी किटन है और ये उनके पापा लगते हैं, तो दोनों की शादी पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ही छोटे छोटी एज के हैं। हाँ अब इसकी शादी कर देंगे, इसकी शादी वैसे इससे भी हो सकती है, इससे नहीं हो सकती, इस पे हो चुकी है। ओहो, इसके बाद इन दोनों के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, फिनी साशा। अब जी इसकी शादी हमारे करेंगे नूर बानो के साथ। शार्ले, शार्ले जरा उठ के दिखाओ, शार्ले की नाक पे ना किसी ने मुझे लगता है मारा है। तो शार्ले को जब हमने देखा तो हम इतने ज़्यादा खुश हुए, मतलब कितना प्यारा लगा हमें, क्योंकि एक डिफरेंट सी ब्रीड है ना ये, नीचे से ना वाइट है, और शार्ले की आदतें बिल्कुल हमें ब्राउनी जैसी लगी, छोटी ब्राउनी, फ्लोरा जैसी, इसको मैं प्यार से ब्राउनी कहता था, उस वजह से ना हम इसको अपने घर उठा के ले आए, और इंशाल्लाह ये हमारे पास रहेगा। फ्लोरा जैसी ही सेम टू सेम आदतें हैं, कुछ टाइम बाद जब ये हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा, हमारे बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर आप देखेंगे और आप फ्लोरा की कमी ना आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि शार्ले की आदतें बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम फ्लोरा जैसी हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हम सोच रहे हैं कि हम साशा की बनाएंगे एक मूवी, हाँ साशा की और शार्ले की लव स्टोरी बनाएंगे, और साशा होगी एक अमीर तरीन मगरूर और खूबसूरत लड़की जिसके दादा की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और इसके दादा है मिस्टर मफिन, और मिस्टर मफिन की ये है ये तो स्टोरी सुनने भी मजा आ रहा है। इसके लिए आया है एक लावारिस लड़के शार्ले का रिश्ता, जिसकी शार्ले की ना फैमिली का पता है हमें, ना भाइयों का पता है, ना पेरेंट्स का पता है, अब शार्ले बनेगा घर दामाद, है ना शशि। अब शार्ले को मफिन के कुछ डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, फिर मफिन साशा का हाथ देगा शार्ले के हाथ में। अब शार्ले को बुलाए ना आपका हाथ, उसको पकड़ाते आए, आए एक मिनट शार्ले को, चलो शार्ले को बुलाते हैं, इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं। लड़का पसंद नहीं आया, नहीं लड़का नहीं पसंद आया, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही लड़की, अभी इस लड़के को ससुराल में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ये अपने ससुराल में आया है। ओए एक्सेप्ट कर लो ना इस लड़के को साशा, चाचिया साशा एक्सेप्ट नहीं कर रही, साशा कह रही है मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, इसे ले जाओ, इसे दफा दूर कर दो, मुझे ये नहीं पसंद, साशा को बिल्कुल नहीं पसंद जी। तो बस जी आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।